जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर इंजीनियर डॉक्टर समेत 5 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के ठीक 4 दिन बाद 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान तो शहीद हुए ही सेना के साथ काम करने वाले 2 मजदूरों की भी जान चली गई। इसी तरह से घाटी में एक हफ्ते के अंदर 2 आतंकी हमलों से सुरक्षा जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गुलमर्ग के नागिन इलाके में गुरुवार शाम 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। ये हमला तब हुआ जब सेना की गाड़ी बोट पाथरी से आ रही थी, जो कि LOC से 5 किलोमीटर दूर है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी उग्रवादी संगठन PAFF ने ली है। PAFF का पूरा नाम पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है। ये उन 8 आतंकी संगठनों में एक है जो 5 अगस्त 2019 के बाद सामने आए हैं। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैश ए मोहम्मद का हिट स्क्वाड माना जाता है। PAFF उत्तरी कश्मीर से 3-4 आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 3 से ज्यादा आतंकी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले दहशतगर्दों ने 24 अक्टूबर की सुबह पुलवामा जिले के त्राल इलाके में एक मजदूर पर फायरिंग की थी, जिसमें वो बाल बाल बच गया। घायल शुभम कुमार UP का रहने वाला है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल सेना ने आतंकियों को ढूंढने के लिए अपनी सख्ती बढ़ा दी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।